है, क्या क्या चीज़ खाने के लिए फेमस है। बहुत छोटा सा कोई 800 मीटर का या 1 किलोमीटर का ये कस्बा है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन सब ने कहा कि यहाँ की तो चाट ही फेमस है, गुप्ता जी की। मैं आ गया गुप्ता जी की चाट की दुकान पर, लेकिन वही भरम मुझे यहाँ गुप्ता जी ने क्रिएट कर दिया। अब आप ये देखिए, ये लिखा है गुप्ता जी सिंस 1960, गुप्ता चाट भंडार, गुप्ता जी की सबसे पुरानी दुकान। गुप्ता जी की सबसे पुरानी दुकान की पहचान सन देखकर ही करें। मैंने सोचा शायद यही होगी, फिर मैंने इसको पढ़ा, इसमें लिखा है गुप्ता सबसे पुराने चाट भंडार, पुरका जी की मशहूर बीच वाली दुकान। अब इधर आइए, इसमें लिखा है सबसे पुरानी मशहूर नंबर 1 गुप्ता चाट भंडार, असली गुप्ता जी की पहचान पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ कोई पीपल का पेड़ है भी नहीं। अब ये यहाँ कह रहे हैं वो पीपल का पेड़ कोने में है। अब बताइए मुझे, गुप्ता जी की चाट खानी है, अब मैं किस दुकान पर मैं खाऊं? ये 3 की 3 है। अब यही जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये मसला क्या है। अरे आपकी है, आपको मालूम है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मालिक को अपना असली नाम लिखना पड़ेगा। तो कौन असली है, कौन गुप्ता असली है? सब घर के परिवार के ही है असली। हमारी शॉप पहली दुकान ही हुई है हमारी, जो 60 साल पुरानी शॉप है हमारी, जो हमारे दादा ने स्टार्टिंग करी थी। तो सही वाले आप ही? मेन शॉप हमारी हुई है। तो वो लोग क्या लिख? सब घर के परिवार के हैं, तब चाचा की सारी शॉप है हमारी, फैमिली अलग। अच्छा, पहले एक रही होगी, बाद में फैमिली बड़ी हुई तो अलग बढ़ेगी। इस तरह कर करके एक एक दो दो तीन तीन होती चली गई। ये 3 है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि पहली हमारी थी, सबसे पुरानी। कब भाई, ये पुरका जी के बीच मशहूर वाली दुकान, सरकार ने कहा है कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा इसमें, तो हम सही वाला नाम कैसे पता चले सही गुप्ता जी कौन है? सही वाला नाम है, सही नाम है बिल्कुल। कौन वाली सही गुप्ता जी है, बीच वाली की अगल बगल वाली? नहीं सर, ये तीनों दुकान एक ही परिवार की है, तीनों दुकान ओरिजिनल है, तीनों ही दुकान पुरानी है। अच्छा, गुप्ता जी एक ही थे वो? मतलब कि पापा, चाचा जी। लेकिन यार मेन में किसके? मेन तीनों ही है। 1960 में अपना अलग अलग हो गए थे, 70 तक, तो तीनों ही ओरिजिनल है। मसला यही है कि परिवार एक था, परिवार एक है, दुकान 3 हो गई, तो स्वाद भी तीनों का एक ही है कि थोड़ा बहुत असली तुम्हारा है? हाँ, असली स्वाद तीनों का बराबर है कि असली बराबर आप है? तीनों का बराबर है। किधर खा लो, किधर ही खा लो। तो मैं अब तीनों में से थोड़ा थोड़ा तीनों के यहाँ खाता हूँ। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, मुझे फोन करिए। क्या नाम है आपका? अकेले हैं, चाट खाने आए? हाँ, चाट खाने गया था। आप भी खाओ, आओ। ये कर रहे हो दुकान पर, आज का नाम का चक्कर चल तो कोई नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम नहीं मानते, तो कोई भी मिलता खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन वाली दुकान में खाएंगे? हैं, गुप्ता जी के यहाँ खाएंगे। कौन वाले? हाँ, खाएंगे। तो ये कुछ मानते हैं आप, हिंदू मुसलमान दुकान के आगे नाम लिखा जाए तो कुछ फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पानी और दो पानी। बस अब कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा पानी पीजिए, इसी से पता चल। कुछ तो अलग सा है। खैर, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब मैं पुरका जी कस्बे में थोड़ा और आगे आ गया हूँ, और ये देखिए, चेयरमैन पुरका जी बोल रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, नगर पंचायत के सामने जो एक पिकअप गाड़ी डिवाइडर के पास खड़ी है, ये रास्ते में से हटा दें और पीछे से आने वाले वाहनों को सही रास्ता दें। नगर पंचायत पुरका जी कार्यालय के सामने डिवाइडर के पास ये जो एक गाड़ी खड़ी है, शायद पिकअप है, इसे आप हटा लें। और मेरा सभी पुरका जी वासियों से अनुरोध है, मैं जब से पुरका जी में आया हूँ, ये कई जगह इस पोल पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है,
ऐसे जैसे कि वो व्यक्ति यहाँ रोड पर सबको बैठा हुआ देख रहा है। और मैंने ये देखिए, मैं यहाँ से बोलना शुरू किया, यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है और अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट, सभी से अनुरोध है कि आपने जो भी अतिक्रमण फिलहाल सड़कों पे कर रखा हो उसे आप, भाई साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये माइक पर ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है मैं कई बार सुना, ये कौन बोल रहा है? चेयरमैन, चेयरमैन साहब है पुरका जी के नगर पंचायत से, जहीर फारूकी, ये जहीर फारूकी चेयरमैन साहब पुरका जी नगर पंचायत। कौन फारूकी? जहीर फारूकी। तो हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं? जी, जब भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जब ये अनाउंसमेंट होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान? नहीं, वैसे भी होता है, मतलब पूरी जो इनकी 5 साल का कार्यकाल है उसमें पूरे कार्यकाल में जब भी कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, जब भी अनाउंसमेंट से उसको सही किया जाएगा। तो ये पूरा मैंने कई बार सुना, तो कह रहे हैं कांवड़िया इधर रखें, अपने कांवड़ उधर रखें। वो ऐसा है ना, वो पब्लिक की उसके सुविधा के लिए है ना। अब जैसे रोड पे गाड़ी लगा दी उन्होंने, अब आने जाने वालों को तो दिक्कत होगी ना, अगर एक साइड में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कांवड़ भी खंडित होने से बचेगी। हिंदू मुसलमान का कितना मसला है यार? नहीं, वैसे तो मोमडन ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी आज तक कोई यहाँ पे घटना नहीं हुई। लोग तो जब बोले जहाँ मोहंडन ज्यादा रहे वहाँ बहुत दिक्कत करें। यहाँ तो सब मिल के रहते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, यहाँ पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। अच्छा, थोड़ा और देखता हूँ। बॉर्डर से आने के बाद पुरका जी बाजार में जितने ज्यादा कांवड़िए यहाँ पर हैं, जितनी ज्यादा कांवड़ यहाँ पर दिखी वहाँ कहीं नहीं दिखी। और ये देखिए, ये कांवड़ कंट्रोल रूम बना है, ये नगर पंचायत पुरका जी का है। अब जाके सभी शक्तों का उत्तर प्रदेश, सभी शिव भक्तों का उत्तर प्रदेश आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करती है जहीर फारूकी चेयरमैन पुरका जी। मैं वहाँ से जब से अपना कार्यक्रम शुरू किया, हर आदमी कह रहा है ये व्यवस्था चेयरमैन पुरका जी की है, ये नगर पंचायत की व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए, ये कांवड़िए आए हुए हैं, पंखा लगा हुआ, नगर पंचायत का ये ऑफिस है, यहाँ पर